गुरुद्वारा जटाशंकर के तत्वावधान में धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारे में रक्तवीर स्वर्गीय सरदार जोगिंदर सिंह की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान करने आए व्यक्तियों ने अनेकों प्रकार की बीमारियों से कैसे बचा जा सके इसके लिए अपना चेकअप कराया, जिसके संबंध में गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे में प्रतिमा रक्तदान शिविर का आयोजन होता रहता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग आकर रक्तदान करते हैं। रक्तदान एक पुण्य का कार्य है। रक्तदान करने से एक रक्तदाता द्वारा चार लोगों के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिनका वजन 45 किलो से ज्यादा तथा उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो, वह व्यक्ति स्वयं रक्तदान कर सकता है। इस अवसर पर सत्य प्रकाश, वैभव, अवधेश, मनप्रीत सिंह, गगनप्रीत सिंह, अवनी सिंह, युवराज सिंह, सौरभ, पंकज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत विभाग धर्मशाला के अवर अभियंता दुर्गा प्रसाद एवं गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, मैं दुर्गा प्रसाद, अवर अभियंता विद्युत विभाग धर्मशाला। यहाँ मुझे बुलाने के लिए, इस तरह का जो पहल है वाकई काबिले तारीफ है। इन लोगों के पहल से काफ़ी लोगों की जानें बच जाती हैं। अब मुझे आके यहाँ आके आज बड़ी खुशी हो रही है। लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों में संदेश यही देना चाहेंगे कि वो लोग रक्तदान करें, जो भी स्वस्थ हैं। लोगों के अंदर एक वहम होता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अभी तक 5 बार दे चुका हूँ, मुझे कभी इस तरह की वीकनेस फील नहीं हुई है। मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इसमें राष्ट्रीय हित में भागीदार बने। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में प्रतिमा रक्तदान शिविर आयोजित होता रहता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग आकर रक्तदान करते रहते हैं। आज का रक्तदान शिविर हमारे गुरुद्वारा मैनेजर सरदार राजेंद्र सिंह छोटे भाई के सुपुत्र हमारे भतीजे जगविंदर सिंह उर्फ भोलू की याद में समर्पित है, जिस आज उसकी पुण्यतिथि है, जो कि बहुत छोटी उम्र में ही हम लोगों से विदा लेकर चला गया था। उसने भी जाने से पहले 2 बार इसी यहीं के शिविरों में रक्तदान किया था। ये रक्तदान शिविर उसी को समर्पित है। रक्तदान एक बहुत पुनीत कार्य है। आप सबसे हम अनुरोध करते हैं कि आप रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से आप एक साथ 4 जीवन बचा सकते हैं, और रक्तदान करने से आपको अपने अनेक फायदे होते हैं। आपके हर रक्तदान शिविर में जहाँ भी रक्तदान करते हैं, वहाँ आपकी रक्त की जांचें होती रहती हैं, जिससे आपको गंभीर बीमारियों का पता भी चल सकता है। वैसे भी रक्तदान करने से आपको हार्ट अटैक, कैंसर जैसी कई बीमारियों से, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाव हो सकता है। और जो भी आप रक्तदान करते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो केवल 21 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है, और उसकी क्वालिटी जो 21 दिन के पूरी हो जाती है, आप 3 माह के बाद पुनः रक्तदान कर सकते हैं। आप सबसे अनुरोध करते हैं कि एक बहुत पुनीत कार्य है। आज भी हमारे देश में रक्तदान के प्रति लोग उत्साहित नहीं रहते हैं, जिससे कि कई जानें चली जा रहती है, जिसके लिए हम जिम्मेवार हैं। तो आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस रक्तदान शिविर में आइए और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। जहाँ भी आपको मौका मिले आप रक्तदान अवश्य करें। आप साल में 4 बार तो रक्तदान कर सकते हैं। 18 से 68 आयु वर्ग का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। आइए, एक रक्तदान शिविरों का हिस्सा बने, रक्तदान करें। एक स्वस्थ भारत के निर्माण में आप अपनी भूमिका प्रदान करें। धन्यवाद।